अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेट होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, सेट हुआ, मज़े में हूँ। आज की वीडियो हम करते हैं स्टार्ट। और आज की जो वीडियो है वो आप लोगों ने टाइटल से देख के अंदाज़ा तो लगा लिया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं ताइफ, और हम लोग ताइफ में पूरा दिन स्पेंड करेंगे। वहाँ पर बारबेक्यू करेंगे, वहाँ पर हम लोग हॉर्स राइडिंग करेंगे, वहाँ पर हम लोग बग्गीज चलाएँगे, और बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अच्छा जी, हम लोग अभी हदर की पहाड़ी में हैं, और हदर की जो पहाड़ी है उसका जो रास्ता है वो जिग जैग करके हमें ताइफ तक पहुंचाता है। काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है, बट मज़ा बहुत आता है यहाँ पे। जो ये हदर की पहाड़ी है, दिस इज़ ऑलमोस्ट 6,500 फीट हाई, तो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन हो जाती है इतना ऊपर जाके जिग जैग तरफ जाके। भी जब हम लोग ताइफ पहुँच जाते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है, और हम लोग बादलों में होते हैं। हम लोग ऑलमोस्ट ताइफ पहुँच चुके हैं, और मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गई, हम लोग ताइफ पहुँचने से पहले हमें हदर की पहाड़ी में बंदर मिलते हैं, मंकीज़ मिलते हैं। तो मंकीज़ ने जो है वो बड़े नखरे वाले होते हैं यहाँ पे रोटियाँ तो ये लोग खाते ही नहीं हैं, इनको आप ड्राई फ्रूट्स दे दो, उनको बनाना दे दो, उनको आप फल दे दो। तो हम लोग रोटियाँ लेके गए थे, बंदरों ने खाई नहीं, तो हम लोग आगे निकल गए, और मैं आपको दिखाती हूँ बंदरों ने आखिर किया क्या। हम लोग बड़े शौक से बंदरों के लिए रोटियाँ लेके गए थे, लेकिन बंदरों ने तो मुँह ही नहीं लगाया उन रोटियों को। यहाँ पे हमें बंदर जो है वो दिखना शुरू हो जाते हैं, और काफ़ी दूर दूर बैठे हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकती है तो सारे बंदर जो है वो एक गाड़ी पे जो है वो आ जाते हैं, और बड़ा जो है वो खौफनाक सीन होता है, बंदरों से दूर भागना होता है। तो चले देखते हैं बंदर ने क्या किया। ये आप जो व्यू देख रहे हैं ये है अलहदा की पहाड़ी, और यहाँ से हम लोग जिग जैग होते हुए आए हैं, और बहुत मज़ा आया था, और काफ़ी ख़तरनाक जो है वो सिचुएशन थी, लेकिन इट वाज़ फन। तो चलिए हम अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, और वीडियो को एंड तक देखिएगा, और आप लोग करें अब व्यू इन्जॉय। आपको जो ये पहाड़ी नज़र आ रही है ये है जबल दक्का, और हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त सीन है। प्लीज़ गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको कह रही हूँ आप मिस करेंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं अल शिफा, और ये है अल शिफा के छोटे छोटे से टेंट, और बहुत ही क्यूट से छोटे छोटे से टेंट उन लोगों ने बनाए हुए हैं। छोटे से इन लोगों ने बारबेक्यू का सेटअप किया हुआ है, और इन जो टेंट थे इनका रेंट था ऑलमोस्ट लाइक 20 पर घंटा,
तो बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे, और काफ़ी चीप था क्योंकि सीज़न नहीं था, तो इन लोगों ने काफ़ी जो है वो रीज़नेबल किया हुआ था। यहाँ पे मेरे भाई और मेरे बाबा जो हैं वो बारबेक्यू की तैयारियाँ कर रहे हैं, और हम लोगों से इंतज़ार नहीं हो रहा था क्योंकि काफ़ी सर्दी हो रही थी, तो वी वर इन्जॉइंग अ लॉट, पर भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो कोयले जो हैं वो अभी आग पकड़ी थी कोयलों ने, तो थोड़ी सी देर लग रही थी, बट इट वॉज़ वर्थ इट, बहुत मज़ा आया। दूध पत्ती चाय भाई, कोई टैगी कोई टैगी कोई टैगी, दूध पत्ती पी लो। एक कप राइस, बस बस हो गया हो गया, बंद कर दो, बंद करके रख दो इसको। निकल जाए, गिर जाएगी। इसके ऊपर मत रखो, अंदर मत। चलो ठीक, लास्ट फेंक। खोलो थोड़ा, खोलो तो। चॉकलेट फ्रिज पर फ्रिज जाते हैं, ऐसे थोड़ी जाते हैं। चॉकलेट फ्रिज पर आइए, अभी जरा ऊपर से करके। यहाँ पे हॉर्सेस, कैमल और पोनियाँ, इतनी क्यूट पोनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अभी इतने ज़्यादा यहाँ पे आपको कैमल और हॉर्सेस नज़र नहीं आ रहे थे क्योंकि सीज़न नहीं था ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉर्सेस और कैमल्स होते हैं। डिसाइड किया कि हम लोग दोबारा से जबल दक्का की तरफ जाते हैं क्योंकि मगरिब का टाइम होने वाला था, तो हमने सोचा कि लास्ट लास्ट टाइम हम लोग जबल दक्का की तरफ जाते हैं क्योंकि मौसम तो खैर बहुत ही अच्छा था।
और बादल बहुत ज़्यादा आ गए थे, तो हमने डिसाइड किया कि लेट्स गो अगेन। यहाँ पे हमारी ताइफ की ट्रिप होती है ख़त्म। आई होप आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आया होगा जितना मज़ा हमें आया था। हमने बहुत इन्जॉय किया। अगर आपने इन्जॉय किया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।